फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी तो ये फ्लावर्स पहचान ही लिए होंगे। ये समर के ब्यूटीफुल सा फ्लावर वडेलिया है। ये एक बेल की तरह नीचे फैलती है और नीचे ये अपने आप इतनी ग्रो होती है कि इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रास की तरह फैलता ही जाता है और इसमें फ्लावर्स निकलने की वजह से ये अपने आप में ही ये बहुत अच्छी सी एक खूबसूरत सा फ्लावर प्लांट है जो सभी लोग इसको पसंद करते हैं। अगर आप इसे हैंगिंग में वगैरह ग्रो करना चाहें तो नीचे की तरह लटकते हुए बहुत प्यारा सा लगता है ये, और नीचे ज़मीन में तो बहुत अच्छे से फैलती रहती है। हम क्रीपर की तरह ऊपर नहीं चढ़ा सकते इसे, उससे अच्छी ये हैंगिंग में लगती है और नीचे ज़मीन में फैलती हुई लगती है। समर और अभी रेनी सीजन में इतनी खूबसूरत सी ये अपनी बाहें फैला कर जो सभी को खींचता रहता है ना, वो तो बहुत बड़ी बात है। देखिए कितनी प्यारी सी इसकी ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है इसकी। और फ्लावर तो इसके एक तरफ से सनफ्लावर और क्रिसेंथेमम की तरह ही लग रही है। देखिए, और उन दोनों से कुछ भी कम नहीं है, ये भी बहुत अच्छी सी फैलती रहती है। हर एक नोड पर ये अपने फूल जो है फैलाती रहती है। और इसे देखने के लिए इतनी अच्छी सी लग रही है ना, बहुत प्यारी सी लग रही थी। और अभी यहाँ पर इतनी फैली हुई है, नीचे से मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो है फ्रेंड्स, नीचे ज़मीन पर ऐसा फैल रहा है कि कहीं पर भी इसको फैलने के लिए जगह मिल जाए तो बस है, ये फैलता ही रहता है, फैलता ही रहता है। और जो है इस वाले जो प्लांट में जो है वो किसी तरह के कीड़े वगैरह नहीं लगते, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर कोई भी जो भी कहते हैं ना लोग कि सांप वगैरह घुस जाएगा तो नीचे ज़मीन पर, ऐसे इस प्लांट में तो वो भी नहीं घुसेगा। इतनी अच्छी सी ये प्लांट है और मच्छर को भी ये पास नहीं आने देगा, ये बहुत अच्छी सी प्लांट है। और ये देखिए कटिंग से भी आराम से लग जाती है, कहीं पर भी मिले आप छोटी सी कटिंग आप लगा देंगे तो बहुत अच्छी सी लग जाएगी। मेरे पास भी बहुत दिन से थी ये, देखिए इस तरह से ज़मीन पर फैलता ही रहता है। बहुत छोटी सी जगह पर ये लगी हुई थी और आज ये इतनी बड़ी सी हो गई है, देखिए बहुत खूबसूरत सी लग रही है। बैकयार्ड गार्डन है, आप ग्रास लगाना पसंद करते हैं तो इसे भी आप ज़रूर ऐड करिएगा। बहुत अच्छी सी फैलती भी है, ये फ्लावर भी देती है। साल भर इसमें फ्लावर रहती हैं लेकिन ज़्यादा ठंड में जो है ये फ्लावर ही नहीं करता है। और इसे धूप तो फुल सनलाइट ही चाहिए। हम इसे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग में भी ग्रो कर सकते हैं, टेरिस पर भी ग्रो होगा, ये ज़मीन पर भी ग्रो होगा। बहुत अच्छी सी ये विंका की तरह फ्लावर जो है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो देसी वाले विंके रहते हैं ना, उसी तरह से है ये, बहुत हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट। ओके।